विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में नए साल के पहले ही दिन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने माता का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना की। नववर्ष मेले के चलते मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए रात्रि 1:30 बजे से खोल दिया गया था। श्रद्धालुओं ने रात्रि 1:30 बजे से लंबी लंबी कतारों में लगकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने आने वाले नववर्ष के लिए सुख समृद्धि की कामना की। जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय भी नववर्ष मेले का जायजा लेने के लिए माता श्री नैना देवी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। नववर्ष के इस अवसर पर हमारी सरकार ने, जिला प्रशासन ने इन दिनों में मेला घोषित किया है और यात्रियों की सुविधा के लिए जो है वो सारी व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा की दृष्टि से भी, कोरोना महामारी के बचाव की दृष्टि से भी और अन्य सुख सुविधाओं की दृष्टि से भी जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आज नए वर्ष के इस शुभ अवसर पर प्रदेश की, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। महामारी से यही कामना करता हूँ कि वो अपनी कृपा अपने श्रद्धालुओं पर, इस देश की जनता पर बनाए रखें। कोरोना महामारी जैसी जानलेवा महामारी से जनता को बचाए, सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, यही कामना मैं आज के शुभ अवसर पर महामाई श्री नैना देवी से करता हूँ।